शिक्षा मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। शिक्षा जीवन की ज्योति है। शिक्षा बिना के जीवन अंधकार मानल जाय छे। शिक्षा के प्रारूप के बात कैल जाय तो एकटा औपचारिक शिक्षा आ दोसर अनौपचारिक शिक्षा कहकर हम अहाँ बुझैत आयल छी। जीवनक यात्रा में व्यक्ति के बहुत ठाम सँ शिक्षा लेब के अवसर भेटै छै। ओना औपचारिक शिक्षा के शुरुआत कहबै तो ओ हमर अहाँ के घर सँ परिवार सँ शुरुआत होइ छै, जकरा हम अहाँ व्यवहारिक शिक्षा कहै छियै। एकर दोसर चरण विद्यालय छै, जाहिठाम हमरा अहाँ के व्यवहारिक के संगे संगे हमरा अहाँ के मानव जीवन में आवश्यकता पड़ वाला हरेक प्रकार के शिक्षा पाठ्यक्रम अनुसार सँ देल जाय छै। दोसर में बातचीत करी अनौपचारिक शिक्षा के तो ओ हमरा अहाँ के जीवन भरि भेटैत रहैए। अनौपचारिक शिक्षा हम अहाँ किनको सँ लऽ सकै छी। हमरा अहाँ के जीवन में घटय वाला कोनो प्रकार के घटना, करय वाला कोनो काम काज सँ हम अहाँ एकटा सीख लैत रहै छी, जकरा अनौपचारिक शिक्षा हम अहाँ कहि सकै छियै। अर्थात कोनो भी माध्यम सँ ज्ञान के आर्जन केनाइ ओकरे शिक्षा कहल जाइ छै। तहिना एकटा विद्यालय के अगर परिकल्पना कयल जाय, जाहिठाम हमर अहाँ के बच्चा के भविष्य के बात करी, जतय हमरा अहाँ के बच्चा के जीवन उज्ज्वल होइए, तो ओहि विद्यालय के परिकल्पना हम अहाँ एहि तरह सँ कह सकै छी जे ओहि विद्यालय के वातावरण नीक होय, दक्ष शिक्षक सब द्वारा पठन पाठन होय, अनुभवी व्यक्तित्व सबके ओहिठाम जमघट रहे, विद्यालय के हरेक चीज नीक रहे, विद्यार्थी आ शिक्षक बीच के संबंध सुमधुर रहे, एहि तरह के परिकल्पना करै छी। हमसब एहि तरहक परिकल्पना कोनो भी सामुदायिक विद्यालय के करय के सोचै छी, मुदा करय नहि पबै छी। किया तऽ हमरा अहाँके राज्य सरकार के नीति कहियो, प्रदेश सरकार के कहियो, स्थानीय सरकार के कहियो, या बहुत ठाम जे विद्यालय व्यवस्थापन समिति छै, जाहिके कारण जे शिक्षा में राजनीति घुसि रहल छै, ताहिके कारण सँ सामुदायिक विद्यालय के शिक्षा स्तर उठय के सट्टा दिनानुदिन खसकैत जा रहल छै। लेकिन एहि क्रम में रिपोर्टिंग तहिना सामाजिक संजाल विरुद्ध के नाटक लऽ कऽ हमसब एकटा एहन नमूना विद्यालय में पहुँचलहुँ, जतय विद्यालय के मंदिरक स्वरूप बना कऽ पठन पाठन कयल जा रहल छै। हमसब बात कऽ रहल छी हंसपुर नगर पालिका में रहल श्री तपसी बाबा माध्यमिक विद्यालय टिल्ही के, जाहिठाम के प्रधानाध्यापक छथि श्री बलराम ठाकुर जी। व्यवस्थित कक्षा कोठा, नीक अध्ययन अध्यापन, कुशल शिक्षक टीम, अर्थात विद्यार्थी के भविष्य बनेबाक लेल जे एकटा सामुदायिक विद्यालय के परिकल्पना कयल जा रहल अछि, ओहि हरेक गुण सँ भरल नमूना विद्यालय अछि श्री तपसी बाबा माध्यमिक विद्यालय टिल्ही। आधुनिक स्मार्ट बोर्ड के प्रयोग कऽ कऽ शिक्षण के संगे सुविधा सम्पन्न साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, CCTV लगाइत समसामयिक परिवेश के ध्यान में रखैत ऑनलाइन क्लास के व्यवस्था दलित असहाय सबके लेल अहाँ के बहुतो सुविधा सब विशेष सुविधा राखल गेल छै। इलेक्ट्रिक लैब, 18 महीने इलेक्ट्रिकल प्री डिप्लोमा कक्षा संचालन लगाइत के सब व्यवस्था सब ओहिठाम भरिपूर्ण देखल गेल। तहिना हमसब प्रत्येक कक्षा कोठा में जाकर अनुगमन केनौ। विद्यार्थी सब सेहो बहुत अनुशासित रूप में हमरा सबके ओहिठाम भेटल। तहिना संपूर्ण विद्यार्थी कहियो या शिक्षक टीम कहियो या ओहिठाम एकटा प्यून लेवल के कर्मचारी कहियो, सब गोटे के एकटा अनुशासन में राखल गेल छलै, या ओ ड्रेस के लऽ कऽ होय या पठन पाठन के लऽ कऽ होय। आप बात करै छी जे एखनुक समय में जतय अपन बच्चा के भविष्य के ध्यान में रखैत सामुदायिक विद्यालय में पठन पाठन अभिभावक कहियो गार्जियन सब नहि करब चाहि रहल छै, ओहिठाम एहि बात के नकारा में सफल अछि श्री तपसी बाबा माध्यमिक विद्यालय टिल्ही, जतय सामुदायिक विद्यालय भेला के बावजूदो ओहिठाम के जे वातावरण छै, ओहिठाम के जे पठन पाठन के अवस्था छै, ओहिठाम के जे शिक्षण के अवस्था छै, एकटा जे एजुकेशन सिस्टम के हम अहाँ बात कऽ रहल छियै, से एहि सब चीज के कतौ ने कतौ नकारि रहल छै, जे सामुदायिक विद्यालय के केओ खराब नहि कहि सकैए। हमसब आस करै छी एहि तरहक भौतिक संरचना पठन पाठन मात्र श्री तपसी बाबा माध्यमिक विद्यालय टिल्ही में नहि, नेपाल के प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय में होय,
नेपाल के प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय से हमरा अहाँ के बच्चा एक निक भविष्य पबे और पूरा नेपाल के नाम कतौ जाकर रोशन करे। तैं प्रत्येक विद्यालय एक नमूना विद्यालय के रूप में स्थापित हो या हमर सबके कामना रहल छै। navsoch.com के लिए कैमरामैन पुष्पेंद्र वर्माक संग हम प्रीति झा।